और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। दो बातें एक चेहरा जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक समय था जब उन्होंने कथित रूप से किसान नेताओं को आंदोलनजीवी कहा था, अब उन्हें कुछ किसान कहकर संबोधित कर रहे हैं। करीब एक साल पहले शुरू हुई इस आंदोलन के दौरान कई किस्म के सुर सुनने को मिले। पहले सुनिए 9 फरवरी 2021 में लोकसभा में पीएम ने क्या बोला था। मैं हैरान हूँ, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों, हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मढ़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एकाध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहां बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताए। 3 किसान कानूनों की बात हो और दंगावाद लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं। जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलनजीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना,
और देश को दबोच करके रख देना, देश बहुत बड़ा है, देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं बहुत है और उनको लेकर के हमने आगे बढ़ना है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ये तो रही नरेंद्र मोदी की बात। इससे पहले तमाम भाजपा नेता आंदोलन को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान के पूर्वांचल सम्मान समारोह में किसानों को गुमराह करने वाली बात कही थी। जिन्हें ये सारी योजनाएं या खेती किसानी के फील्ड में जो तकनीक अपनाई गई, जिन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं, वे लोग कुछ किसानों को मोहरा बना करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने 19 सितंबर को कहा था, यूपी में क्या किसी किसान आंदोलन की जरूरत है? मुझे पता है ये किसान आंदोलन नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है, जिस पर आंदोलन के पीछे एसपी बीएसपी कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल और उसके नेता लगे हुए हैं। उस आंदोलन का किसान पहले भी हमारे साथ था और आज भी है, जिनकी दलाली बंद हो गई वे नाराज हैं। वहीं कुछ भाजपा नेता हैं जो अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे थे। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने इंडिया टुडे के संपादक राजदीप सरदेसाई से बातचीत में कहा था कि स्थिति ये है कि ये लोग इलाके में घुस भी नहीं सकते हैं। सही बात यह है राजदीप जी, आज की तारीख में मेरे बोलने से उनका फायदा है, वो सारा टर्फ उन्होंने अपोजिशन को दे रखा है किसानों का। इस वक्त उनका कोई आदमी वेस्टर्न यूपी हरियाणा पंजाब किसानों के गांव में नहीं जा सकता है। करीब एक साल चले आंदोलन में अब सुर नरम पड़ गए हैं। सुनिए खुद योगी आदित्यनाथ ने कानून वापसी के बाद क्या कहा। मित्रों, तीन कृषि कानूनों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वापस ले जाने का मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि तीन कृषि कानूनों को लेकर के कतिपय किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे। आज गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यद्यपि शुरू से ही इस संबंध में एक बड़ा समुदाय ऐसा था जो एक इस बात को मानता था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के कानून महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। गुरु पर्व की प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई भी देते हैं, मंगलमय शुभकामनाएं भी व्यक्त करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या बदले सुर काम आएंगे या फिर बैकफायर कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।